सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल से जीवन व्यतीत हो रहा है। और लगातार आंदोलन का स्वरूप 2020, 21, 23, 24 में प्रत्येक वर्ष आंदोलन पे आंदोलन, और हमेशा कभी सरकार के मुख्यमंत्री के तरफ से तो सरकार के डेलीगेट्स के तरफ से लगातार लिखित आश्वासन, मौखिक आश्वासन देने के बावजूद धोखा दिया जा रहा है। जैसे हम मूवी रिलीज होता है ना, जैसे गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, उसी प्रकार राज्य के सहायक पुलिस कर्मियों के साथ जो आंदोलन का लगातार स्वरूप बदलता जा रहा है कि सम्मान का वर्दी 1, वर्दी 2, वर्दी 3, इस तरीके से लगातार वर्दी ए इंसाफ 1, वर्दी ए इंसाफ 2, इस तरीके से आंदोलन करते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है कि लॉलीपॉप दिया गया आश्वासन के बाद। इससे यही प्रतीत होता है कि राज्य के सरकार चाहे पक्ष रहे या विपक्ष रहे, यहाँ के युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ के आने वाला पीढ़ी को धोखा दिया जा रहा है। इसीलिए हम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते एक आंदोलन के उपज से आए हैं, तो आज हम महज नैतिक समर्थन देने नहीं आए हैं, हम सहायक पुलिस कर्मियों के इस लड़ाई को कंधा से कंधा मिलाकर के लड़ने आए हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब यह सहायक पुलिस कर्मियों की लड़ाई सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी नहीं लड़ेंगे, ये लोग का लड़ाई राज्य के तमाम आम आवाम आदिवासी मूलवासी लड़ेंगे, अभिभावक लड़ेंगे, किसान मजदूर नौजवान साथी लड़ेंगे। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करते हैं कि कल यानी 19 जुलाई 2024 को इसी मोरावदी मैदान से हम लोग जो है कि समय 12 बजे मुख्यमंत्री आवास घेराव की ओर निकलेंगे। और मैं अपील करता हूँ तमाम राज्यवासियों से, किसान मजदूर छात्र नौजवान आदिवासी मूलवासी से, कि यह लड़ाई हक के लिए है, यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, यह लड़ाई शोषण के विरुद्ध का लड़ाई है, यह लड़ाई जो यहाँ के युवाओं को इस्तेमाल किया जाता है इसके विरुद्ध है। इसीलिए सभी कोई को पूरे राज्यवासियों को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि सभी कोई कल आए और चट्टानी एकता का परिचय दे, और कल ताकत दिखाए कि इस लड़ाई जो सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी नहीं लड़ेंगे, इस लड़ाई को यहाँ के तमाम आदिवासी मूलवासी छात्र किसान मजदूर लड़ेंगे, और सभी कोई एकजुट होकर के आएंगे। क्योंकि आज देख रहे हैं कि जो अन्याय हो रहा है, शर्म आता है बताने पे कि अरे कोई ये तो कहीं झाड़ू पोछा लगाता है तो उस जगह पे उस महिला को जो है कि विशेष छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया सहायक पुलिसकर्मी जो तमाम सुरक्षा बल जो कार्य करते हैं, उस सुरक्षा काम करने के बावजूद उसको विशेष छुट्टी का प्रावधान नहीं है, आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान नहीं है, कोई अन्य देय भत्ता नहीं है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर सरकार अगर इस आंदोलन को बहुत उग्र रूप नहीं देना चाहती है तो तत्काल आकर के इन लोग का अस्थायी करे, और अन्य जिला बल की भांति जो अन्य राज्य में जो प्रावधान है इन लोग का मांग को पूरा किया जाए। अगर मांग को पूरी नहीं करती है तो याद रखिए यह लड़ाई सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी नहीं लड़ेंगे, इस लड़ाई को राज्य के तमाम आम आवाम अपने कंधा पर लेकर के लड़ेंगे। आपको याद है कि 4 जुलाई और 15 जुलाई दो बार ये लोग राजभवन कुछ करने के लिए निकले, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। एक मौके का आश्वासन मिला और वरीय अधिकारी से बातचीत पहुंचाने की बात मिली, तो ये लोग लौट गए। अरे भैया, कल जब आप लोग निकलेंगे इस बात की कितनी गारंटी है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाएंगे? कल इस बात की कितनी गारंटी है कि जो आप मांग पत्र सौंपेंगे उस पर कार्रवाई होगी? क्योंकि दो बार ये कर चुके हैं इस बार। देखिए ये जो हम चूंकि आंदोलन से उठे हुए हम व्यक्ति हैं और आंदोलन को लगातार जो है कि जिस तरीके से करते आ रहे हैं, पिछला